गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल गुर्जर फिर रुद्राक्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज जीएस का ट्रिक के साथ बेहतरीन कंटेंट लेके आया हूँ। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। इसमें भारत के प्रमुख दर्रे अदिश और सदिश राशि को भी जानेंगे और कुछ सरल सी सुगम सी ट्रिक हैं उनको भी देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं सीधे अदिश और सदिश राशि। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए राशि क्या होती है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके वो है राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? राशि। राशि दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि एक सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती हैं। याद रखना। अब अदिश राशि होती कौन कौन सी हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और आई भी हैं। तीन सदिश राशि दे देगा, एक अदिश राशि पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेता है कार्य है, चाल है, ताप है, क्या है, ये कौन सी राशि है, तो हमें पता होना चाहिए। तो अदिश राशि के लिए एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक है आसमा का ऊंचा ताल दूर है दाऊ। किसका ताल है ये? आसमा का ताल कैसा है? ऊंचा ताल है, दूर है दाऊ। चलते हैं सीधे आज से, मतलब आयतन पूछता है कैसी राशि है, आंसर होता है अदिश राशि है। सा से पूछता है समय कैसी राशि है, मा से मात्रा पूछता है, का से कार्य पूछता है, ऊंचाई पूछता है, चा से चाल पूछता है, ताप पूछता है, ला से लंबाई पूछता है, दूर से दूरी पूछता है, दा से दाब पूछता है, उसे ऊर्जा पूछता है। ये सभी पूछता है कौन सी राशियां हैं, तो सभी की सभी आसमा का ऊंचा ताल दूर है दाऊ अदिश राशि हैं। याद रखना। कैसी राशि हैं? अदिश राशि हैं। इसके साथ एक पॉइंट भी याद रखना, विद्युत धारा अदिश राशि है। आगे बात की जाए सदिश राशि की, वे भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड तो है ही, परिमाण तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। याद रखना, ये फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, एमपीएसआई में भी आया है, व्यापम की परीक्षा पुलिस में भी आया है, और अभी हुई थी ग्रुप 4 उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन अदिश और सदिश राशि में बहुत बार हमारे प्रिपेयर रहती है, लेकिन फिर भी हम गलत कराते हैं। तो ये ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद हो सकती है आपको। चलते हैं सदिश राशि की ट्रिक। संत विवेक को चुंबक से बस में करो। एक विवेक नाम के संत हैं, इनको किससे बस में कर सकते हैं? चुंबक से। अब देखो, सा से पूछता है संवेग कैसी राशि है, तो आंसर होता है सदिश राशि है। ता से पूछता है त्वरण या तनाव कैसी राशियां हैं, तो सदिश राशियां हैं। वी से विस्थापन पूछता है, वेग पूछता है, ये सभी कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। कौड़ीय वेग पूछता है, ये भी सदिश राशि है। चुंबक से पूछता है चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय घनत्व, डेंसिटी, कुछ भी पूछे, चुंबक बेड आया, याद रखना सदिश राशि है। वासे है वस में करो, वासे है बल, सासे है शक्ति, ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग हुआ, त्वरण हुआ, तनाव, विस्थापन, वेग, कौड़ी वेग, चुंबकीय तीव्रता, कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं, याद रखना। इनके अलावा चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबक विद्युत तीव्रता, ये याद रखना। विद्युत धारा अभी मैंने बताया था कैसी राशि है, तो याद रखना अदिश राशि है। लेकिन पूछ ले विद्युत तीव्रता, विद्युत घनत्व, विद्युत आघूर्ण, ये सदिश राशि हैं। जब विद्युत धारा अकेला होगा तो अदिश राशि होगी, विद्युत तीव्रता होगी, विद्युत आघूर्ण होगा
विद्युत घनत्व का डेंसिटी होगी, तो ये कैसी राशि होंगी? सदिश राशि होंगी। बात की जाए भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में, तो दर्रों से यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं और पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है और किस राज्य में ये दर्रे स्थित हैं। राज्य का दर्रा का नाम दे देगा, राज्य पूछ लेगा, या राज्यों का दे देगा कि इसमें कौन सा, इस राज्य में कौन सा दर्रा है, तो दर्रे भी दे देगा। ऐसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज के बाद आपको दर्रे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इस वीडियो को, फिर बताना आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन पूछूं उसका आप जवाब दिया करो। चलते हैं सीधे भारत के प्रमुख दर्रे। तो ट्रिक है जो कारो पीरो बनिया है, याद रखना, बहुत प्यारी ट्रिक है, सिंपल सी देसी भाषा की ट्रिक है, जो कारो पीरो बनिया है। जो से पूछता है जोजला दर्रा, कारो से पूछता है काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, वनिया से पूछता है बनिहाल दर्रा। ये सभी दर्रे जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, और श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है, याद रखना। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है, झीलों की नगरी, याद रखना। राजस्थान में अलग अलग आंसर आते हैं, उदयपुर को कहा जाता है, और झीलों का देश जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का नगर भारत में पूछता है तो श्रीनगर को कहा जाता है। बात की जाए यहाँ से, तो दर्रे कौन कौन से हो गए? जोजला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये क्वेश्चन बना है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आंसर होता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है, और इस दर्रे की जो ऊंचाई है 5624 मीटर है, याद रखना। चीन से जाने के लिए जो रास्ता, सड़क बनाई गई है वो इसी दर्रे से बनाई गई है। अब ये क्वेश्चन बना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जवाहर सुरंग किस दर्रे से गुजरती है? ये बहुत बार पूछा है, तो आंसर होता है बनिहाल दर्रे से। और बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। जोजला दर्रा, ये लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, और ये क्वेश्चन बना है, जोजले दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो याद रखना, जोजले दर्रा, जो जोजला दर्रा है, और इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है, और यह लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। भारत का शुष्कतम स्थान लेह है। बात की जाए अगले राज्य की, तो अगले राज्य में दर्रे हैं। ट्रिक है, नाथू जेल में सिक गए, याद रखना, बहुत सिंपल ट्रिक है। नाथू से नाथुला दर्रा, जेल से जेलेपला दर्रा, सिक से कहाँ है? सिक्किम में है। आपको दर्रा भी याद होंगे, राज्य भी याद होंगे, बस थोड़ा ट्रिक को आप दो चार बार ट्राई कीजिए, और नोट में आप, बुक नोट में आप इसको नोट कर लीजिएगा। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और सिक्किम, ये कहाँ है? सिक्किम में है, नाथू जेल में सिक गए। अब ये क्वेश्चन बना है, जेलेपला दर्रा, इसका निर्माण किस नदी ने? तो तीस्ता नदी से इसका निर्माण हुआ है। किस नदी से हुआ है? तीस्ता नदी से हुआ है। बात की जाए अगला, तो अगला राज्य है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। ट्रिक है, उत्तर की लिखी नीति मां, लिखी से लिपुलेख दर्रा, ये बहुत बार पूछा गया है, नीति दर्रा ये भी पूछा गया है, मान से माना दर्रा, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, याद रखना। कहाँ है? उत्तर से है, उत्तराखंड में है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है, वो कैसे? खूबसूरती तो बहुत है, आगे तबाही तबाही है। बात की जाए उत्तराखंड से, एक क्वेश्चन और बनता है कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? तो ये चमोली उत्तराखंड में है। अगला है, शिव ने बड़ा तांग किया। ट्रिक है, जो कारो पीरो बनिया है हो गया, और उत्तर की लिखी नीतमान हो गया,
शिव ने बड़ा तंग किया। सिप कीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, तंग से रोहतांग दर्रा। यहां से क्वेश्चन बनता है, रोहतांग दर्रा बहुत बार पूछा गया है, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। HP हिमाचल प्रदेश में, याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। सिप कीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बात की जाए सिप कीला दर्रे का जो निर्माण है किस नदी से हुआ है, तो यह हुआ है सतलज नदी से, याद रखना। और रोहतांग दर्रे के समीप से, ये समीप है, समीप से ब्यास नदी आपने पढ़ा होगा और रावी नदी, यही इसके समीप ब्यास कुंड है, वहां से ब्यास निकलती है और इसी के पास से रावी नदी निकलती है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो शिव ने बड़ा तांग किया, शिव कीला दर्रा, बड़ा लांचा दर्रा और रोहतांग दर्रा सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला है यंग दीपू बोमिल लाया, बहुत अच्छा है। दीपू कैसा था? यंग। बोमिल लाया, यंग से यांगाप दर्रा, दिफू दर्रा, बोमिल, बोमेडला दर्रा, ये सभी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहां से ये क्वेश्चन बना है, यंग याप दर्रे के पास भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। आपको पता है ऐसे ही आती है, ब्रह्मपुत्र चीन से सीधा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश के पास यही दर्रा है, यंग याप दर्रे के पास प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम देहांग दे दिया जाता है। किसका? ब्रह्मपुत्र का। और बांग्लादेश में मैं बता चुका हूं क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बने हैं, तुजु दर्रा कहाँ है? तो तुजु दर्रा मणिपुर में है, और भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा, तो ये तुजु दर्रा है, याद रखना। इसके बारे में मैं कल बता चुका हूँ। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में है। पालघाट फोरघाट दर्रे ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपको दर्रे पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, ट्रिक के माध्यम से सभी हो गए क्लियर। हम है रुद्राक्ष अकेडमी, कलम से क्रांति। कल मैंने वीडियो दिया था, उसके जवाब क्वेश्चन पूछे गए, उसमें जवाब दिया था महेंद्र कुशवाहा जी ने। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप महेंद्र जी, आपके लिए प्राइज है स्पेशल 5 रुपये, कल आपको पेटीएम कर दिए जाएंगे। प्रमोद जी कुछ बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। लव प्रताप जी, सर जी सैल्यूट है आपको, थैंक यू लव प्रताप। गुरु बोल रहे हैं नाइस, बहुत अच्छे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बताना आपको वीडियो कैसा लगा।